देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। फर्स्ट आर्टिकल काफी शानदार आर्टिकल है, बात की जा रही है यहाँ पर वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो देखिए, आप लोगों को अगर बोला जाए कि पानी की कमी है, तो एक साइड में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 70 से ज्यादा परसेंट जो हमारी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को वाटर अवेलेबल देखने को मिलेगा, अलग अलग ओशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर फिर भी पानी की कमी है, तो उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, आज का सबसे शानदार आर्टिकल यही हम लोगों का होने वाला है, यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी निकल कर आएगा। ओके, नीचे वाला आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है मैक्सिको की पॉलिटिक्स के बारे में। इस आर्टिकल पर भी हम लोग नजर डालेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को मैप लोकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये वाला आर्टिकल अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रणब मुखर्जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है, वो अभी यहाँ पर आरएसएस के कैंप का जो एंडिंग ट्रेनिंग डे था वहां पर उन्होंने स्पीच दी, उसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, बोला जा रहा है कुछ गैप रह गया था, कई सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र किया था वहां पर अपनी स्पीच में, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो बुक लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रख सकते हैं क्वेश्चन कई बार आ जाता है, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। बाकी वही सारे पॉइंट घुमा फिराकर बोले जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। सुजात बुखारी जिनकी जिनकी हत्या कर दी गई जम्मू कश्मीर में, एक जर्नलिस्ट थे, इनके बारे में आर्टिकल लिखा गया है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहाँ पर डिस्कस किया गया ये किताब के बारे में है जो कि जयराम रमेश जी के द्वारा लिखी गई है, इंदिरा गांधी के टाइम की बुक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, एक ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोगों को एक कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर इस बुक के साथ में कि क्या क्या पॉइंट यहाँ पर कवर किए गए इस किताब में। ओके, नीचे वाला आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया गया, आप लोग आज के डेट में सोशल मीडिया साइट यूज करते हैं, पर लेकिन कई बार यहाँ पर क्या होता है कि सोशल मीडिया साइट यूज किस लिए की जाती है, पर लेकिन कई बार कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर झेलनी पड़ जाती है लोगों को। तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यही आप लोगों को बोलनी चाहिए, एक यही बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी सोशल मीडिया साइट आप लोग यूज करें तो देख के यूज करें। देखिए, एक तो होता है कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करें, किसी को हैम्पर नहीं करनी चाहिए, कई सोसाइटी में हेट स्पीच नहीं फैलाना चाहिए, कई बार ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। हालांकि आर्टिकल में डिस्कस किया गया आप लोगों ने प्रियंका चोपड़ा की एक सीरीज थी जो कि यूएसए में चली थी क्वांटिको, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो वही सारी बातें डिस्कस की जा रही हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को हल्का सा सोशल मीडिया के बारे में ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी आर्टिकल आता है तो उसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, पर लेकिन वो इतना भी फ्रीडम नहीं है कि हम लोग दूसरे की फ्रीडम पर भारी पड़ जाएं, तो उन सब चीजों का ध्यान रखकर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, रशिया में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, डे बाय डे कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ज्यादा नहीं, बस आप लोगों को लास्ट में याद रखना है कि कौन जीता है, जो मेन पॉइंट रहेंगे वो लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर कवर करके चलने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी बस आप लोगों को लोकेशन वगैरह पता होना चाहिए, और पहले इससे पहले वाला वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था और इससे नेक्स्ट वाला कहाँ पर हुआ है, ये दो भी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो तीन ओकेजन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, पहला वर्ल्ड कप इससे कहाँ पर हुआ था, इससे नेक्स्ट वाला कहाँ पर होने वाला है ये, और इसके अलावा जो फिलहाल चल रहा है ये कहाँ पर चल रहा है, तो ये तो रशिया में चल रहा है, नेक्स्ट वाला कहाँ पर होने वाला है ये बता चुके हैं, फिर भी तीनों का नाम आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि आप लोगों को याद रह सके। लिखकर एक कोई चीज आप लोग एक बार देख लेते हैं ना तो लंबे समय तक आप लोगों को याद रहती है, तो इसको जरूर एक बार देखिएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल वाटर क्राइसिस के बारे में है। जीएस पेपर वन के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? इंडिया में फिलहाल वाटर क्राइसिस है। शिमला में आपने देखा किस प्रकार से पानी की कमी हुई। अगर देखो वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज नहीं किया गया तो आने वाले समय में वाटर क्राइसिस और भी ज़्यादा गंभीर सामने आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर आने वाले समय में शिमला की तरह पानी की कमी देखने को मिल सकती है। अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स रिलीज किया गया, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स में नीति आयोग के द्वारा ये भी बताया गया कि 70% जो वाटर रिसोर्सेज हैं आज के समय में हमारे देश में वो पोल्यूटेड हैं। सोच के देखिए, 100% अवेलेबल हमारे देश में वाटर है तो उसमें से 70% जो वाटर है वो कॉन्टामिनेटेड है, यानी पोल्यूटेड है। और ये इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया है, जो डेटा स्टेट के द्वारा सप्लाई किया गया है, यानी स्टेट्स ये नहीं कह सकते कि नीति आयोग के द्वारा जो डेटा इस्तेमाल किया गया है ये इंडेक्स तैयार करते वक्त वो डेटा गलत है, क्योंकि स्टेट्स ने पहले डेटा सप्लाई किया नीति आयोग को और उसी डेटा के आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया गया है नीति आयोग के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखो, इशू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का तो है, लेकिन उससे भी एक बड़ा इशू ये है, जो पानी अवेलेबल है अभी फिलहाल जनता के पास, अगर वो पोल्यूटेड है, अगर वो कॉन्टामिनेटेड है, अगर उस पानी में हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए हैं, तो सोच के देखिए कितने तरह के गंभीर डिजीज हो सकते हैं जनता को। इसीलिए कहा जा रहा है आर्टिकल में, सरकार को तुरंत से तुरंत इस इशू पे फोकस करना होगा। काफी सारे इंडिकेटर्स को संज्ञान में लेके नीति आयोग के द्वारा ये इंडेक्स तैयार किया गया, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स।
जैसे कि विभिन्न स्टेट्स की क्या परफॉर्मेंस है वाटर रिसोर्सेज और वाटर साइट्स को ऑगमेंट करने में, विभिन्न स्टेट्स ने कितना खर्चा किया है वाटर रिसोर्सेज से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पे, या फिर ग्रामीण इलाकों में और इवन अर्बन इलाकों में पीने योग्य पानी प्रोवाइड करने में विभिन्न स्टेट्स की परफॉर्मेंस क्या है, और एग्रीकल्चर में वाटर को एफिशिएंटली यूज़ किया जाए इस दिशा में कौन से स्टेट ने कितना काम किया है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स तैयार किया है। नीति आयोग का ये इंडेक्स जारी करने का मकसद ये है कि विभिन्न राज्यों के बीच एक कंपटीशन का इन्वायरमेंट बने कि कौन सा राज्य अच्छा काम कर रहा है वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करने की दिशा में। जैसे इस इंडेक्स में देखो, शुरुआती तौर पर यह कहा गया कि गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना ये राज्य अच्छा काम कर रहे हैं ताकि पानी के रिसोर्सेज को अच्छे से जुडिशियल रूप से यूज़ किया जाए। लेकिन कुछ काफ़ी पॉपुलेटेड स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो स्टेट्स ने इस दिशा में कोई खास काम नहीं किया है। तो अब चूंकि ये इंडेक्स जारी किया गया है तो उत्तर प्रदेश और बिहार को भी लगेगा कि हमें भी इस दिशा में कदम उठाने होंगे ताकि वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज किया जाए, वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। इस रिपोर्ट में एक बात यह भी बोली गई कि अभी देखो हमारे देश में 600 मिलियन लोग वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, कहीं कहीं पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और कहीं कहीं पर पानी की थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन आंकड़ा ये है कि 600 मिलियन लोग फिलहाल वाटर की कमी महसूस कर रहे हैं देश के विभिन्न इलाकों में। अभी फिलहाल देखो दो इश्यूज पे अर्जेंट ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला इशू है ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सेट्स, यानी वाटर सेट्स की संख्या को इंक्रीज करने की आवश्यकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर किया जा सके और उस पानी को यूज़ किया जा सके ना सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में बल्कि आम लोगों के लिए भी। और दूसरा इशू जिस पे अर्जेंट ध्यान देने की आवश्यकता है वो है स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल इन्फोर्समेंट, मतलब सरकार को देखो ये इंश्योर करना होगा कि पानी पोल्यूटेड ना हो। जैसा हमने आर्टिकल की शुरुआत में डिस्कस किया, 70% जो वाटर रिसोर्सेज हैं आज के समय में हमारे देश में वो कॉन्टामिनेटेड हैं, यानी पोल्यूटेड हैं, गंभीर तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं इन वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में। और देखो इस दिशा में, इस कंटेक्स्ट में एक कमेटी गठित की गई थी सरकार के द्वारा, कमेटी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग एंड सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के जो चेयरपर्सन हैं मिहिर शाह की अध्यक्षता में। मिहिर शाह ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वाटर मैनेजमेंट में यूजर सेंट्रिक अप्रोच अपनानी होगी, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर सरकार इरीगेशन कमांड्स में डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करती है, मतलब कि देखो कम्युनिटी को ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं कि आप वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कीजिए, तो जो लोकल कम्युनिटी है वो ज़्यादा अच्छे से लोकल वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर सकती है। हमने डिस्कस किया था कल प्रीलिम बूस्टर की न्यूज़ डिस्कशन में सबजल योजना के बारे में। सबजल योजना में यही कंसेप्ट है कि जो ओनरशिप है वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने की वो कम्युनिटी को दी जाती है, कम्युनिटी के द्वारा ऑपरेशन चलाए जाते हैं, सरकार के द्वारा गाँव में कुछ पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप वाटर रिसोर्सेज को इस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए जाते हैं स्कीम के अंदर, और बाद में जो लोकल कमेटी हैं उनके ही लोग वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। तो लोकल कमेटी ज़्यादा अच्छे से जानती हैं, उनको पता है अगर वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज नहीं किया गया तो उन्हीं को प्रॉब्लम होगी आगे जाके, इसलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और वो अच्छे से काम भी कर पाते हैं। इसके अलावा नेशनल इरीगेशन मैनेजमेंट फंड की सहायता से उन राज्यों को फाइनेंशियल ग्रांट दी जा सकती है जो अच्छा काम कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में। इससे क्या होगा, और भी अच्छा कंपटीशन होगा विभिन्न राज्यों के बीच, क्योंकि जो राज्य अभी पिछड़े हुए हैं वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में उनको लगेगा देखो हमें तो फाइनेंशियल ग्रांट मिल नहीं रही, उन राज्यों को मिल रही है जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी अच्छा काम करें ताकि इस फंड की सहायता से उन्हें भी फाइनेंशियल ग्रांट मिले। लेकिन देखो ये सब चीज़ें तो ठीक हैं जो हमने डिस्कस की, लेकिन ये सब चीज़ें विभिन्न राज्यों के बीच जो रिवर डिस्प्यूट्स हैं शायद उनको सॉल्व नहीं कर सकती। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कावेरी इशू का, स्टेट गवर्नमेंट्स आखिरकार जुडिशरी के पास जाएंगी ही जाएंगी रिवर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करवाने के लिए, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, डेमोक्रेसी है हमारे देश में आपको पता है, इस वजह से जो चुनी हुई सरकारें हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो लोगों को दिखाएं कि देखो हम काम कर रहे हैं, आपके हिस्से का पानी हम आपको दिलवा के रहेंगे। तो इसलिए कुछ और भी करना होगा, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पैटर्न को समझने की आवश्यकता है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना होगा। अभी हमारे देश में सिर्फ 5% वेल्स पे स्टडी की जा रही है, बाकी वेल्स पे तो स्टडी ही नहीं की जा रही कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर का क्या स्टेटस है, कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डेटा की आवश्यकता है ताकि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के पैटर्न को समझा जा सके। तो
तो जैसा हमने डिस्कस किया कि वाटर रिसोर्सेज को अगमेंट करने की आवश्यकता है, वाटर सेट्स को इंक्रीज करने की आवश्यकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पानी स्टोर करके रखा जा सके, पानी को रिसाइकिल करने की आवश्यकता है, ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता है, ताकि जो पानी अभी पीने योग्य नहीं है, जैसे समुद्र का सलीन वाटर, उसे पीने योग्य बनाया जाए, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की आवश्यकता है। देखो टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो उस चीज़ का फायदा नहीं है। तो इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो चीप हों, आम जनता के द्वारा भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सके। लास्ट में ये बोला जाता है पोल्यूशन की समस्या को कर्व किया जा सकता है अगर सूटेबल कॉस्ट गवर्नमेंट लगाए। अगर कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री पोल्यूटेड वेस्ट को या फिर हार्मफुल केमिकल्स को नदी में बहाता है तो फाइन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देना चाहिए ताकि डेटरेंस क्रिएट हो। और देखो फाइन सिर्फ इंक्रीज करने से फायदा नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए इस प्रकार के लॉज का, इस प्रकार के रेगुलेशंस का। काफ़ी बार ये देखने को मिलता है कि फैक्ट्री, सरकार को पता है अच्छी तरह से ये जो फैक्ट्रीज हैं वो सीधा सीधा पोल्यूटेड मटेरियल को बहाती हैं नदियों में, लेकिन फिर भी सरकार कार्रवाई नहीं करती। सरकार को ये लगता है कि अगर इन इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया तो बहुत से लोगों का रोजगार छिन जाएगा। तो सरकार को एक बैलेंस इस्टाब्लिश करने की आवश्यकता है ताकि ये फैक्ट्रीज बंद भी ना हों, लेकिन जो केमिकल वेस्ट बहा दिया जाता है इन फैक्ट्रीज के द्वारा नदियों में, इनकी ये एक्टिविटीज़ भी बंद हों। इसके अलावा हमारे जो नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वाटर रिसोर्सेज से संबंधित, उनको रिवैम्प करने की आवश्यकता है और नए कई तरह के लॉज भी बनाने की आवश्यकता है। देखो नीति आयोग ने जो ये इंडेक्स जारी किया है, नीति आयोग का मकसद जैसे हमने डिस्कस किया क्या है, विभिन्न स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन और कंपटीशन पैदा करना, ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन अगर विभिन्न स्टेट्स के पास एक लीगल मैंडेट होगा कि उनको कानून के अंदर रह के क्या करना है, किस प्रकार का कानून है और कैसे उनको काम करना है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आर्टिकल के हिसाब से। इसलिए एक लीगल मैंडेट भी होना चाहिए विभिन्न स्टेट्स के लिए कि उनको क्या करना है वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने की दिशा में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडियाज वाटर क्राइसिस के बारे में। चलते हैं आगे, अगला आर्टिकल G7 के बारे में है। पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, हाल ही में G7 का एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ कनाडा में, वहां पर ट्रंप के द्वारा काफ़ी सारे आरोप लगाए गए बाकी दूसरे जो मेंबर कंट्रीज हैं G7 के उन पर। उसके बाद से ही ये कहा जाने लगा है कि G7 ग्रुप की रेलेवेंस आज के समय में ख़त्म हो गई है। हम विस्तार से डिस्कस करते हैं किन परिस्थितियों में इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था, मकसद क्या थे, और क्या आज के समय में ये ग्रुप, ये ऑर्गेनाइजेशन रेलेवेंट है या नहीं। देखो 1970s में G7 को इस्टेब्लिश किया गया था। उस समय आपको याद होगा कोल्ड वॉर चल रहा था, एक तरफ था USSR और दूसरी तरफ था USA, और वेस्टर्न कंट्रीज जो USA के ग्रुप में शामिल थी उनके द्वारा ही इस ग्रुप को इस्टेब्लिश किया गया था। दो मकसद थे मेनली, एक तो देखो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक मॉडल और जो इकोनॉमिक मॉडल था उसे पूरे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश किया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में इस्टेब्लिश किया जाए। USSR का जो ग्रुप था उस ग्रुप में विभिन्न कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी थी उन इकोनॉमीज में सेंट्रल प्लानिंग होती थी, यानी सरकार का बहुत बड़ा रोल होता था देश को कैसे आगे ले जाया जाए, चीज़ों को मैनेज करने में, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये सब चीज़ें डिसाइड करने में सरकार का एक बहुत बड़ा रोल होता था। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज जो कि USA के ग्रुप में शामिल थी उन देशों में लिबरल इकोनॉमिक मॉडल था, यानी मार्केट फोर्सेस पे उन देशों की अर्थव्यवस्था टिकी थी, जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाएगा और प्राइवेट कंपनीज उस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकेंगी। लेकिन USSR के ग्रुप में जो कंट्रीज थी वहाँ अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि सरकार ही सब कुछ प्रोड्यूस करती थी या फिर थोड़े हद तक सरकार लाइसेंस देती थी प्राइवेट कंपनीज को। तो एसेंस साफ है, वेस्टर्न कंट्रीज का जो लिबरल इकोनॉमिक मॉडल है जो मार्केट फोर्सेस पर फोकस करता है, इस मॉडल को पूरे वर्ल्ड में लागू करना चाहते थे वेस्टर्न कंट्रीज, तो उस मॉडल को पूरे वर्ल्ड में लागू करने के लिए ये ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया था G7। ये पहला ऑब्जेक्टिव। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था जो मेंबर कंट्रीज हैं G7 के उनके बीच इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी डिफेंसेस को मैनेज किया जाए, यानी किसी प्रकार के क्राइसिस पैदा ना हो G7 मेंबर कंट्रीज के बीच, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक अलग से ग्रुप इस्टेब्लिश कर दिया गया था G7। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। मेंबर्स कौन कौन से थे G7 में, कनाडा, US, UK, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये 7 मेंबर्स थे। जब ये ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया था 1970s में, उस समय ये 7 कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्री थी, आज भी 7 कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन उस समय ये 7 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड की GDP में 70% कंट्रीब्यूट करते थे।
लेकिन देखो 1996 से यानी 1996 में जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए, उसके बाद एक बात साफ हो गई थी कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो चैलेंजेस आए हैं उन चैलेंजेस को मैनेज नहीं किया जा सकता G7 के द्वारा। तो इस बॉडी को एक्सपेंड करने की आवश्यकता है या फिर एक नए तरह के ग्रुप की आवश्यकता है। तो G7 को तो खत्म नहीं किया गया था, लेकिन एक नया ग्रुप आया था G20। G20 ग्रुप में 20 देश हैं इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, इंडिया भी है, चाइना भी है, ब्राजील, नई तरह के कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। तो ये सारे देश मिलकर ही ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस को फेस कर सकते थे, ना कि अकेला G7। G20 तो आया देखो 1999 में यानी 1999 में, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, दो साल पहले यानी 1997 में G7 ग्रुप को एक्सपेंड किया गया। G7 ग्रुप में रशिया ऐड हो गया और G7 ग्रुप हो गया G8। लेकिन देखो दो चीज़ों से रशिया का शामिल होना G7 में काफ़ी अलग था। कौन कौन सी दो चीज़ें हमने डिस्कस किया कि ये G7 जो ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया था वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में डिफरेंसेस को मैनेज करने के लिए किया गया था, और वो वेस्टर्न कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कंट्री थे जबकि रशिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। तो इस वजह से G7 में रशिया का ऐड होना बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स को समझ में नहीं आया। और इसके अलावा एक दूसरी चीज, क्योंकि देखो ये G7 में जो कंट्रीज थी उन कंट्रीज की अर्थव्यवस्था टॉप पे थी, लेकिन उस समय जब रशिया ऐड हुआ था G7 में तो उस समय रशिया की जो अर्थव्यवस्था थी, रशिया की जो इकोनॉमी थी वो टॉप 10 इकोनॉमीज में भी शामिल नहीं थी। तो इस वजह से काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि रशिया को ऐड नहीं करना चाहिए था G7 में। लेकिन यहां पर देखो एक दूसरा व्यू भी है, रशिया को जियोपॉलिटिक्स के चलते G7 में ऐड किया गया था। और जैसे ही जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई 2014 में जब रशिया पर आरोप लगे कि उन्होंने क्रीमिया को एनेक्स किया, तो रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया, यानी G8 फिर से G7 हो गया 2014 में। इसके अलावा देखो जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो उस समय विभिन्न कंट्रीज को एक बात समझ में आ गई कि G8, क्योंकि उस समय G8 था, बाद में G7 हुआ था 2014 में, कि G8 जो ग्रुप है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है बल्कि वो प्रॉब्लम का पार्ट है। इसलिए G20 ग्रुप को और ज्यादा इंपावर किया गया। 1999 में G20 को इस्टेब्लिश तो कर दिया गया था लेकिन इंपावर नहीं किया गया था, कोई पावर्स नहीं थी G20 ग्रुप के पास, रेलेवेंट नहीं था। लेकिन 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो उसके बाद से G20 ग्रुप रेलेवेंट बन जाता है क्योंकि इंपावर किया जाता है, रेगुलर मीटिंग्स होने लगती हैं इस ग्रुप की। आज देखो सिचुएशन ये है, G7 में जो 7 कंट्रीज हैं वो पूरे वर्ल्ड की GDP में 47% कंट्रीब्यूट करती हैं। जब इस्टेब्लिश किया गया था तो ये 7 देश, इन 7 देशों की इकोनॉमीज पूरे वर्ल्ड की GDP में 70% कंट्रीब्यूट करती थी, आज सिर्फ 47%। और इवन इटली और कनाडा की अर्थव्यवस्था से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं चाइना और इंडिया की अर्थव्यवस्था, लेकिन फिर भी चाइना और इंडिया इस ग्रुप में शामिल नहीं है G7 में। तो ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने आरोप लगाए G7 पे, उससे पहले ही G7 जो ग्रुप था बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका था, और ट्रंप ने तो सिर्फ एक प्रकार से G7 ग्रुप की कब्र में आखिरी कील ठोकने का काम किया। अब देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है कि G7 को पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया जाए और जो काम अभी देखे जाते हैं G7 ग्रुप के द्वारा वो काम देखे जाएं G20 ग्रुप के द्वारा। ऐसा करना देखो एक लिहाज से ठीक हो सकता है अगर मेन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरे वर्ल्ड में जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उनको एड्रेस करना। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव अगर अलग है, अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल इश्यूज को एड्रेस करना, डेमोक्रेटिक लिबरल जो मॉडल है उसको अपहोल्ड करना, तो इस लिहाज से G20 जो ग्रुप है वो अनसुटेबल है, क्योंकि G20 ग्रुप में बहुत सारी ऐसे देश भी हैं जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है और जियोपॉलिटिकल इश्यूज को लेके भी विभिन्न कंट्रीज की जो राय है वो अलग अलग है। तो अगर जियोपॉलिटिकल इश्यूज को एड्रेस करना है, अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करना है, तो उस लिहाज से G20 ग्रुप सही नहीं है। तो उस लिहाज से तो एक छोटा ग्रुप बनाना ही होगा। G20 ग्रुप पूरे वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, G20 ग्रुप पूरे वर्ल्ड में जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं कर सकता, और G20 ग्रुप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता ग्लोबल गवर्नेंस में, क्योंकि G20 ग्रुप में विभिन्न कंट्रीज के बीच डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर पूरे वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करनी है, सिक्योरिटी इश्यूज को एड्रेस करना है, ग्लोबल गवर्नेंस पे फोकस करना है, तो एक छोटा ग्रुप होना चाहिए G7 की तरह। तो एक दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, एक दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि G7 ग्रुप्स में रिफॉर्म लाए जाएं। अभी देखो कनाडा और इटली की जो इकोनॉमीज हैं वो इतनी बड़ी नहीं हैं,
इन दोनों देशों की इकोनॉमीज को अब रिप्लेस कर दिया गया है इंडिया की इकोनॉमी के द्वारा और चाइना की इकोनॉमी के द्वारा। तो जी सेवन में से इटली और कनाडा को बाहर निकाला जाए और इंडिया और चाइना को ऐड किया जाए। लेकिन ऐसा करने से जी सेवन जो ग्रुप है वो लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर को अपहोल्ड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि चाइना को बाहर निकाला जाए, और ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 1970s में जब G7 को इस्टेब्लिश किया गया था तो उस समय USSR की जो इकोनॉमी थी टॉप 3 इकोनॉमीज में से शामिल थी, लेकिन फिर भी USSR पार्ट नहीं था G7 का। तो आज भी ऐसा हो सकता है कि G7 में इंडिया को तो ऐड किया जाए लेकिन चाइना को एक्सक्लूड किया जाए, क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। आगे आर्टिकल में ये कहा जाता है कि देखो ट्रंप का ये मानना है कि रशिया को फिर से शामिल किया जाए G7 में और ग्रुप को बनाया जाए G8। ट्रंप इस बात को लेकर कभी राजी नहीं होंगे कि चाइना को शामिल किया जाए G7 में या फिर G8 में। तो एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, ब्रिक्स आपको पता है 5 देश शामिल हैं ब्रिक्स में, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इन 5 देशों की इकोनॉमीज पूरे वर्ल्ड की GDP में ऑलमोस्ट 30% कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन USA की अकेले की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में 24% कंट्रीब्यूट करती है पूरे वर्ल्ड की GDP में। तो USA को शामिल कर लिया जाए ब्रिक्स में, ये अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है। पहले भी इस प्रकार के प्रपोजल्स दिए गए हैं कि ब्रिक्स को शामिल किया जाए USA में। उसके बाद ये जो ग्रुप बनेगा G6, ये पूरे वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल इश्यूज को एड्रेस कर सकता है। लेकिन बात वही आती है कि ये जो ग्रुप बनेगा G6 वो लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर को अपहोल्ड नहीं करेगा, क्योंकि चाइना और रशिया डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं हैं। तो फाइनली लास्ट में एक सोल्यूशन ये बताया जाता है कि G7 को खत्म करके एक टोटली नया G7 ग्रुप बनाया जाए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो, ब्राजील, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया। ये जो G7 ग्रुप बनेगा, ये G7 ग्रुप पूरे वर्ल्ड की GDP में ऑलमोस्ट 40% कंट्रीब्यूट करेगा। तो इकोनॉमिक पावर हाउस भी होगा ये ग्रुप, और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन देखो यूरोपियन यूनियन आपको पता है फिलहाल काफ़ी वीक है ब्रेग्जिट के बाद, और USA के जो रिलेशंस हैं वो भी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अभी काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट हैं। तो संभावना कम है कि इस प्रकार का ग्रुप बने। लेकिन देखो कुछ भी हो, एक बात साफ है, फिलहाल का जो G7 ग्रुप है वो तो इरिलेवेंट हो गया है। तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, G7 ग्रुप में रिफॉर्म्स जरूर आएंगे, ऐसा निश्चित है। ये पूरा आर्टिकल था G7 के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल दिल्ली को फुल स्टेटहुड के इशू के बारे में है। देखो हमारे संविधान में आर्टिकल 246 यानी 246 में लेजिस्लेटिव पावर्स को 3 फोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 3 लिस्ट हैं, एक है यूनियन लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट और उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब्जेक्ट्स पर स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन पर पार्लियामेंट भी कानून बना सकती हैं और विभिन्न राज्यों के जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं यानी विधानसभाएं हैं वो भी कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर टकराव होगा पार्लियामेंट के बीच और स्टेट लेजिस्लेचर्स के बीच तो चलेगी किसकी? पार्लियामेंट की चलेगी। लेकिन देखो दिल्ली का जो केस है वो स्पेशल केस है। 1991 से पहले दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी नहीं होते थे, लेकिन 1991 में हमारे संविधान को अमेंड किया गया, 69th अमेंडमेंट आई, और इस अमेंडमेंट में दो आर्टिकल्स ऐड किए गए, आर्टिकल 239AA और आर्टिकल 239AB। इन आर्टिकल्स की सहायता से दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली इस्टेब्लिश की गई और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रोविजन भी हुआ। लेकिन दिल्ली को पूरी पावर्स नहीं दी गई, हमारे देश में जो बाकी राज्य हैं उनको जो पावर्स दी गई हैं उन पावर्स में से लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं दिया गया। तो देखो मैं कुछ इश्यूज आपको बताता हूँ। अभी दिल्ली में जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो दिल्ली गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करती है, वो रिपोर्ट करती है होम मिनिस्ट्री को, यानी यूनियन गवर्नमेंट में जो होम मिनिस्ट्री है उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस, जबकि बाकी राज्यों में आपको पता है जो पुलिस है वो स्टेट की होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। ये पहला इशू आता है। दूसरा इशू, दिल्ली में जो लैंड है यानी सरकारी जो भूमि है वो DDA के पास है, DDA के द्वारा मैनेज की जाती है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और DDA रिपोर्ट करता है किसको? यूनियन गवर्नमेंट की अर्बन मिनिस्ट्री को। तो इस वजह से होता क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट को काफी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर दिल्ली सरकार को कोई नया प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना हो, कोई हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना हो, अगर कोई स्कूल इस्टेब्लिश करना हो, तो उनके पास लैंड नहीं होगा, वो DDA को कहेंगे कि आप देखो हमें लैंड दीजिए। तो इस प्रोसेस में काफी डिले हो जाता है और गवर्नेंस प्रभावित होती है,
उसके बाद तीसरा इश्यू, जो दिल्ली में एमसीडी है वो एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, तो इस वजह से भी काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है दिल्ली को। ये हमने प्रोविजंस की बात की, अभी क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद देखो कुछ और प्रोविजंस की बात करें, दिल्ली में अभी क्या फ्रेमवर्क है। अगर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में किसी बात को लेके अगर डिफरेंसेस आते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस इशू को, उस मैटर को दे सकते हैं प्रेसिडेंट के पास, भेज सकते हैं प्रेसिडेंट के पास, और जब तक प्रेसिडेंट उस फैसले को लेके, उस इशू को लेके अपनी राय ना दें, तब तक अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह लगता है कि इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर अर्जेंट एक्शन की आवश्यकता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी तरफ से भी अर्जेंट एक्शन ले सकते हैं उस इशू पे। तो ऐसी सिचुएशन में देखो यूनियन गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपको पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इवन जो प्रेसिडेंट हैं वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस से काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस बात को लेकर तो विवाद है। देखो दिल्ली विधानसभा में किसी बिल को प्रेजेंट करने के लिए एलजी की कंसेंट होना जरूरी है या नहीं है, इस बात को लेकर विवाद है। लेकिन एक बात जरूर सर्टेन है कि दिल्ली असेंबली जो भी बिल्स क्लियर करेगी उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की नोड होना यानी अनुमति होना जरूरी है, और असेंबली वो बिल पास नहीं कर सकती जो कि सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी अगर आप दिल्ली के फुल स्टेट इशू को अगर एनालाइज कर रहे हो। तो अब देखो हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो दिए जा सकते हैं जिसके वजह से दिल्ली को फुल स्टेट हुड देने की जो डिमांड है वो और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाती है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है पॉपुलेशन। दिल्ली की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से दिल्ली को फुल स्टेट हुड देना चाहिए ताकि अच्छे से दिल्ली को मैनेज किया जा सके। उसके बाद गवर्नेंस डिले। अभी देखो बहुत सारी एजेंसीज हैं, कई सारी ऐसी बॉडीज हैं जो रिपोर्ट करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आती हैं एमसीडी के अंडर, तो इस वजह से जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, चीज़ों को मैनेज करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अगर सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मैनेज किया जा सकेगा। और दिल्ली की जो इकोनॉमी है वो भी अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, इस वजह से भी दिल्ली की इकोनॉमी को और भी ज़्यादा आगे ले जाया जा सकता है अगर विभिन्न इश्यूज पे फोकस किया जाए और उनको अच्छे से मैनेज किया जाए। उसके बाद पॉइंट आता है क्राइम। देखो दिल्ली में क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं और दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है यूनियन होम मिनिस्ट्री को। अगर दिल्ली पुलिस अंडर आती है दिल्ली सरकार के तो देखो पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी है वो और अच्छे से तय की जा सकती है, पुलिस को प्रेशराइज किया जा सकता है कि आप अच्छे से काम कीजिए। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जो पुलिस है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आनी चाहिए। और सबसे लास्ट में पॉइंट आता है डेमोक्रेसी। देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनको जनता ने नहीं चुना है, तो ये चीज़ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है कि एक ऐसा ऑफिशियल जिसको जनता ने नहीं चुना है फिर भी उसके पास इतनी सारी पावर्स हैं, और जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वो उसी पर्सन को रिपोर्ट करते हैं जो जनता के द्वारा नहीं चुना गया है, तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट हैं। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं। अब कुछ खिलाफ में आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं। कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी हैं जो दिए जाते हैं जिनके बेस पे ये कहा जा सकता है कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड देना ठीक नहीं है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो देखो ये है कि दिल्ली जो कैपिटल है वो पूरे देश की कैपिटल है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, एम्बेसीज भी हैं, तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है इन एम्बेसीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना कोई नया ऑफिस इस्टेब्लिश करना है दिल्ली में, तो अगर दिल्ली को फुल स्टेटहुड होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक प्रकार से मोहताज हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के, यानी डिपेंड हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट पे, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। इवन दूसरे देशों के जो प्रीमियर्स हैं, जो हेड्स हैं, वो भी दिल्ली में आते हैं, यहीं पर उनको होस्ट किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि वो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे बैठे। उसके बाद ग्लोबल एग्जाम्पल्स की बात हम कर सकते हैं। देखो वर्ल्ड के दूसरे देशों की कैपिटल्स की आप बात करोगे, वहां से अगर आप केस स्टडीज उठाओगे तो वहां पे भी दूसरे देशों में भी कैपिटल्स को फुल ऑटोनॉमी नहीं दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं कैपिटल्स को मैनेज करने की, तो इंडिया में भी उसी प्रकार का मॉडल अपनाया गया है। उसके बाद पॉइंट ये आता है कि देखो दिल्ली एक प्रकार से माइग्रेंट सेंट्रिक सिटी है, यानी देश के विभिन्न इलाकों से लोग दिल्ली में आए हैं और यहाँ पर सेटल डाउन हो गए हैं, इस वजह से भी अगर कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती हैं तो इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट ये दिया जा सकता है कि दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं ज़्यादातर जो पैसे दिए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, अगर दिल्ली को फुल स्टेटहुड दिया जाता है तो दिल्ली के पास पैसे नहीं होंगे, दिल्ली गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर सकेगी अपने आप से। उसके बाद ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था
लैंड एलोकेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नया प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो मोहताज हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है कि लैंड ना प्रोवाइड करे, जल्दी से डिले करे, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद से सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी काफ़ी अहम मुद्दा है। दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं जैसे पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हाउस, तो इन सब की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती इन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनके बेस पे आप कह सकते हो दिल्ली को फुल स्टेटहुड देना ठीक नहीं है। लास्ट में देखो वे फॉरवर्ड में या फिर कंक्लूजन में आप ये बोल सकते हो कि इस प्रकार से अगर दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच टकराव चलता रहेगा तो इससे जो हमारी कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। इसलिए कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना होगा इस पूरे इशू का। एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि NDMC जहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट निवास और दूसरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो और दिल्ली के बाकी इलाकों में जो पुलिस की जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। तो एक सोल्यूशन ये हो सकता है। दूसरा सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि DDA के पास जो लैंड है उसको भी डिवाइड कर दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया दिल्ली को फुल स्टेटहुड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज मैंने 3 आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। सबसे पहले वाटर क्राइसिस से संबंधित जो आर्टिकल था वो डिस्कस किया, उसके बाद G7 से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया और तीसरे नंबर पे हमने आर्टिकल डिस्कस किया दिल्ली को फुल स्टेटहुड देना चाहिए यानी पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।